ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया था कैसे ब्रुसेल्स धमाकों के बाद अब जीवन वहां पर पटरी पर लौट रहा है, लेकिन भारत में भी इन धमाकों का असर देखा गया। सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और इसी के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचे गृह राज्य मंत्री हरिभाई। ब्रसेल्स के हमले के बाद दिल्ली मेट्रो का जायजा लिया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त हैं एमओएस होम। सर, गृह मंत्रालय किस तरह से नजर रख रहा है? दिल्ली मेट्रो एक बहुत बड़ा एसेट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत बड़ा एसेट है, तो ब्रसेल्स में जो हुआ है उसके मद्देनजर किस तरह से सुरक्षा की जांच की जा रही है? ये यात्रा मेरी पहले से फिक्स थी, 3 दिन पहले ही मैंने डिसाइड किया था। ब्रसेल्स का हमला तो कल ही हुआ, लेकिन बार बार हम चेक करते रहते हैं। परसों भी मैं अचानक रेल यात्रा की थी, भारी भीड़ में की थी। आज तो मेरा प्री प्लान था 3 दिन पहले का, लेकिन आज मैं पूरी तरह से कंट्रोल रूम है, रेलवे स्टेशन है, सुरक्षा कर्मियों से बात करूंगा और कोई कमी दिखती है तो उसके लिए कड़क कदम हम उठाएंगे। सर, जहां पे हमने देखा है कि इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम ब्रसेल्स में कैसा था, हमारी क्या तैयारी है इवैक्यूएशन को लेके, क्या इमरजेंसी प्लान्स पूरे सिस्टम है? लाखों लोग मेट्रो में हर रोज चढ़ के जाते हैं, लाखों लोग एयरपोर्ट की तरफ भी हर रोज जाते हैं, तो किस तरह से सुरक्षा वहाँ पे लगाई गई है? देखिए, हमारा नेशनल इमरजेंसी रिस्पांस जो हमारी कंट्रोल रूम है उसमें 75% काम पूरा हो गया। करीबन 3,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो पूरा देश में कोई भी जगह पर कोई इंसिडेंट बनता है तो हमारा कंट्रोल रूम में आ जाएगा। और सभी स्टेट भी अच्छे अच्छे अभी एजेंसी ATS एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी बनाए हैं और उनके साथ जो इंटेलिजेंस शेयर करना है तो हम MHA बार बार करते रहते हैं। पूरे एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रसेल्स भी जाना है, इससे भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी चिंतित हैं अब इस धमाके के बाद। लेकिन धमाके दोनों